कि जय मैया की जय बालाजी और जय बागेश्वर महाराज, तुमसे विनती बारंबार। तुमने भोपाल नगर में आके और सभी भक्तों का सहयोग पाके हनुमंत कथा दई सुना के, ओ भोपाल नगर बना दे पावन, ओ भोपाल नगर लगा दे मेला। कृपा करी अपार, तुमसे विनती बारंबार। बाबा जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, बाबा कोई ढोंगी नहीं, और जो उनको ढोंगी बोलता है वो स्वयं ढोंगी होता है। मल्लिकार्जुन जो कह रहे हैं वो खुद फर्जी हैं, और वो तो आके यहाँ देख लें कि साधु संत में कितनी ताकत होती है जी। और हमारे गुरु जी एक बार मुलाकात तो कर लें, उनको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी ताकत है हमारे गुरु जी में। लेकिन कांग्रेस तो यहाँ पर टिक भी नहीं सकती, कांग्रेस वालों को तो हम चप्पल जूते मार के भगाएंगे यहाँ से। ये तो देख देख के करते हैं, कमलनाथ को कुछ मालूम है नहीं, ये तो जाते हैं, हमारे शिवराज मामा जाते हैं तो इनके पीछे भी खुद भी चले आते हैं। बाबा के दर्शन करने चले गए, कहीं बागेश्वर धाम सर के चले गए, कहीं उज्जैन चले गए महाकाल के दर्शन करने। ये तो नकल चोर है, नकल चोर। मुस्कान बहुत अच्छी है बागेश्वर धाम वाले की, इसीलिए आप खींचे चले आए। सिर्फ एक झलक देखने के लिए आए हम लोग। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी तरह भगवा रंग में लेके आएंगे, बाबा जी का यही कहना है कि हम पूरा भगवा कर देंगे, वो यही होगा। जो राम को लाएंगे हम उनको लेके आएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम नामदेव भैया। क्या कहते हैं बाबा का संदेश क्या देता है? बाबा का संदेश यही देता है कि हिंदू को जागरूक करा है, और हमारे जो बीजेपी पार्टी है बीजेपी पार्टी को मजबूत करने का उन्होंने बोला है। जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे, ये संदेश उन्होंने दिया है, और हम उनका साथ देंगे। बाबा जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, बाबा कोई ढोंगी नहीं, और जो उनको ढोंगी बोलता है वो स्वयं ढोंगी होता है। ऐसा है? बिल्कुल। तो लगता है कि बाबा भगवा में कर पाएंगे मध्य प्रदेश? बिल्कुल जरूर करेंगे भगवा में। कैसे करेंगे भगवा में? इनसे देखना आप, जैसे जैसे राम के नारे लग रहे हैं अभी, देखिए आप अभी राम के नारे लगेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी तरह भगवा रंग में लेके आएंगे, बाबा जी का यही कहना है कि हम पूरा भगवा कर देंगे, वो यही होगा। जो राम को लाएंगे हम उनको लेके आएंगे। सीताराम में इतनी बड़ी शक्ति है? बहुत शक्ति है, सर्वशक्तिशाली है वो, उनके राम से ही नाम से ही जो हो जाता है पूरा काम हो जाता है उनका। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं पता नहीं आज के टाइम में बच्चे साधु संत बन जाते हैं और जादू टोना दिखाते हैं। मल्लिकार्जुन जो कह रहे हैं वो खुद फर्जी हैं, और वो तो आके यहाँ देख लें कि साधु संत में कितनी ताकत होती है जी। और हमारे गुरु जी एक बार मुलाकात तो कर लें, उनको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी ताकत है हमारे गुरु जी। लेकिन गुरु जी पर सवाल खड़े करने वाले कांग्रेस को यहाँ की जनता सबक सिखाएगी? बिल्कुल सिखाएगी, 150 के पार जाएगी बीजेपी सरकार। बीजेपी ही आएगी तो भगवा में होगा? कांग्रेस तो यहाँ पर टिक भी नहीं सकती, कांग्रेस वालों को तो हम चप्पल जूते मार के भगाएंगे यहाँ से। ऐसा है? ऐसा है। तो हनुमान का असली भक्त कौन है, कमलनाथ या मामा? मामा है, मामा। मामा है? ये तो देख देख के करते हैं, कमलनाथ को कुछ मालूम है नहीं, ये तो जाते हैं, हमारे शिवराज मामा जाते हैं तो इनके पीछे भी खुद भी चले आते हैं। बाबा के दर्शन करने चले गए, कहीं बागेश्वर धाम सर के चले गए, कहीं उज्जैन चले गए महाकाल के दर्शन करने। ये तो नकल चोर है, नकल चोर। बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छी भागवत कहते हैं, हर एक चीज अच्छा ही है सब। ऐसा क्या नजर आता है बागेश्वर धाम में? मुस्कान बहुत अच्छी, भगवान है, मुस्कान बहुत अच्छी है बागेश्वर धाम वाले की, इसीलिए आप खींचे चले आए। सिर्फ एक झलक देखने के लिए आए हम लोग। ऐसा है? और क्या अपेक्षा करते हैं बाबा में? ऐसा क्या है धीरे शास्त्री में, ऐसा क्या है कि वो बस हाथ उठाते हैं और लाखों लोग खड़े हो जाते हैं? लाखों लोग, ऐसा कुछ है उसके अंदर भाई, जरूर है। तो लग रहा है कि सनातनियों को जगाने का काम किया है? हाँ बिल्कुल किया है, सही बात है, किया है। सनातन का जगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल बना रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं उनके पीछे भाई। सभी हो गए? हाँ आप भी पीछे हो गए? हाँ हम भी पीछे हैं उनके। आप साथ देंगे उनका? अरे जरूर देंगे भाई। कैसे साथ देंगे आप? साथ ही दे रहे हैं। तो अभी मुलाकात की आपने? नहीं की? हाँ हो गई है मुलाकात, मतलब दूर से हुई है, बात नहीं हुई है। अभी बात नहीं? हाँ बात करने की इच्छा है? हाँ है, जरूर है। क्या करेंगे जब कहेंगे, क्या आप उनसे जब मिलेंगे? अरे अब जो दिल में मन में होगा वो कह देंगे, उसमें क्या। जोरदार ताली बजा, क्योंकि केवल एक मुस्कुराहट पे आप इतनी दूर से खींचे चले। बात है, दो दिन हम आ गए, कल भी हम लोग आए थे, आज भी आए हैं, शिवनगर से आए हम लोग, जबकि सब काम पूरा अपना सब छोड़ छाड़ के तब आए हम लोग। अगर मैं आपके सामने तीन नाम लूं, एक 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 मोदी जी, एक योगी जी और एक धीरेन्द्र शास्त्री, तीनों में किसे अच्छा मानेंगे? हमें तीनों ही अच्छे हैं हमारे। तीनों में फिर ऐसा अच्छा, इनका अलग अलग कौन सा अच्छा काम है तीनों का? अच्छा है मोदी जी का बताइए। चलिए भाई, मोदी जी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ा रहे हैं,
वो तो सबसे ही अच्छे हैं। फर्स्ट में मोदी जी आते हैं, देश चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, हाँ बहनों के लिए इतना कर रहे हैं, मोदी की बात ही अलग है। योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी भी यूपी में खूब कर रहे हैं। लेकिन आप तो एमपी के हैं ना, अभी बाबा की तारीफ कर रहे हैं। नहीं तो रहने वाले हम यूपी के हैं। हाँ यूपी में कहाँ से? कानपुर से। हाँ कानपुर से हम लोग। यूपी में बाबा अच्छा कर रहे हैं? हाँ अच्छा कर रहे हैं, बुलडोजर अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, चल रहा है। हटा दिया योगी जी ने, भ्रष्टाचार हटा दिया, गुंडा राज को हटा दिया, और क्या चाहिए। ये बताइए, मैं केवल एक सवाल करूंगा आपसे। कल धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, और कहेंगे, और कहना पड़ेगा सबको, पड़ेगा। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आप मानते हैं कि अगर जो नहीं बोलेगा सीताराम उसका क्या होगा? सही बात, वो उसकी इच्छा है, उनकी कुछ नहीं बोला कोई बात पर, हम तो बोलेंगे। हाँ तो बाबा ने जो कहा है वो मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। शिवम सुंदरम के जय मैया की जय बालाजी और जय बागेश्वर महाराज, तुमसे विनती बारंबार, तुमने भोपाल नगर में आके और सभी भक्तों का सहयोग पाके हनुमंत कथा दई सुना के, ओ भोपाल नगर बना दे पावन, ओ भोपाल नगर लगा दे मेला, कृपा करी अपार, तुमसे बिनती बारंबार। जय मैया की जय बालाजी ओ जय बागेश्वर महाराज, तुमसे बिनती बारंबार। बोलो बागेश्वर महाराज की जय, बागेश्वर महाराज की जय। बात है, सरकार के दर्शन करके धन्य हो गए, धन्य हो गया, गदगद हो गए, जीवन जब तक रहेगा बागेश्वर की शरण में रहेगा, ऐसा है, सबका रहेगा, सबका रहेगा। क्या बाबा का संदेश, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं सब? बिल्कुल सबका सहयोग है, हमारा तो सहयोग है और सबका सहयोग है, सहयोग है, हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, बनेगा, बाबा का साथ देंगे, बिल्कुल सब मिलके देंगे, सब मिलके देंगे, सब हिंदूवासी एक दूसरे से जुड़ के देंगे, सब मिलके देंगे। क्या बात है, आखिर धीरेन्द्र शास्त्री में ऐसी कौन सी शक्ति है जो लाखों युवा खींचा चला रहा है? जो हम लोग हिंदू धर्म से वंचित होते जा रहे थे, जो अपने धर्म को नहीं पहचान पा रहे थे, हमारे बाबा को बालाजी सरकार ने ऐसी शक्ति प्रदान करी कि उनने हम लोगों को जगाने के लिए कोई महात्मा के रूप में कोई शक्ति ऐसी आई कि जो बाबा के रूप में हम सबको सनातन धर्म की पहचान बता रहे हैं। बोलो बागेश्वर महाराज की, बालाजी महाराज की। लगता है कि बागेश्वर धाम ने, बागेश्वर सरकार ने युवाओं को जगाने का काम किया है। बिल्कुल किया है और करते रहेंगे, और हम अभी युवा भी जुड़ के अपना काम करेंगे। बाबा जी ने जगा दिया तो हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए हम लोगों का साथ है और सहयोग है। जो सनातनी आज तक सोए हुए थे उनको जगाने का काम किया। बिल्कुल हमारे महाराज जी ने, बालाजी सरकार ने, बागेश्वर धाम ने बिल्कुल किया है काम, वो कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो हनुमान का भक्त है वही राज करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में राज कौन करेगा? बागेश्वर महाराज की जय। बालाजी सरकार, बालाजी सरकार। हनुमान का असली भक्त कौन है, कमल या कमलनाथ? बोलिए बोलिए कमल, कमल, कमल। क्या लगता है कि भगवा मैं इस बार मध्य प्रदेश होगा? जी हो, हो, आनी आएंगे इस बार, फिर आएंगे, आएंगे, मोदी जी ही रहेंगे, सब लेके आएंगे, बार भाजपा सरकार फिर बनेगी, बनेगी। हाँ बने। क्या किया मामा ने? उनने आज बहुत कुछ अच्छा काम किया है, लड़कियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए रोजगार किया है, बहनों के लिए रोजगार किया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए, यही तो चाहिए था। भ्रष्टाचार पूरा मिटा दिया उन्होंने, बहनों का सहयोग कर रहे हैं, और हमें और क्या चाहिए। हनुमान का असली भक्त कौन है, कमल या कमलनाथ? ये वो तो पूरी जनता हनुमान की भक्त है, अपन किसी का नहीं कह सकते। शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जहाँ तक हैं, हाँ। वो ही करेंगे, असली भक्त वही है जी। तो भगवा में होगा इस बार मध्य प्रदेश? जी सही में होगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री के आने से क्या बदलाव होगा यहाँ पर? बहुत कुछ बदलाव हो चुका है जनता में, आप खुद देख रहे हैं जी। कितना बदलाव आ चुका है, कितनी पब्लिक आ गई है। ये सब बालाजी की कृपा है, जो सभी भक्तगण यहाँ मौजूद है, हम भी कानपुर से आए हुए हैं, पहली बार ही आए हैं और गुरु जी के दर्शन हुए। हम भी किसी के बहकावे में थोड़ा भटक गए थे, जो हमें भी गुरु जी ने अपनी सपन में आके दर्शा दिए, बोले बालक तू जो कर रहा है वो गलत है। तो हम नींद से जगे,
फिर उन्होंने हमें बहुत बार हमें भटका रहे थे वो हमें बहुत बार कॉल करके हमारे घर में विपदा भी पड़ी थी, उन्होंने हमें बारंबार वो कहा था कि ये तुम भटक रहे हो इसलिए तुम्हारे पास ये दिक्कत है। हमने कहा दिक्कत आएगी तो हमारी सारी दिक्कत बालाजी बागेश्वर धाम की सभी दिक्कत मिटाएंगे, तो हमारे तो जो भी संकट आते हैं वो भी खुशी खुशी सब कट जाते हैं। यही संकट मोचन हनुमान है, यही बागेश्वर धाम है। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की। आज बागेश्वर धाम की शक्ति दिखाई दे रही है। जी जी जी, ऐसा क्या शक्ति है, देख रहे हैं ना सभी एकदम खुशी नजर आ रहे हैं। जी यही तो कृपा है, यही तो बालाजी की कृपा है, वो कलियुग के राजा है। और यही सब हम तो यही चाहते हैं कि सभी भक्तगण, सभी जो अपने हिंदू धर्म से भटक रहे हैं वो अपने नींद से जगे, अपने धर्म को पहचाने और हिंदू राष्ट्र बनाने में से। क्या नाम है सर? मेरा चंद्रकांत दुधाने, मैं महाराष्ट्र हूँ जी, अमरावती से आया हूँ, यहाँ काम से आया तो धाम में आ गए जी। बहुत पावरफुल काम है और भाई साहब ने जो बताया एकदम 100% सच होने वाला है, बस 100% इन्होंने जो बोला 100% सच होने वाला है। तो एमपी भगवा में होने वाला है? जरूर जरूर, और पूरा हिंदू, पूरा भारत होने वाला है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भारत माता की जय, जय श्री राम। बागेश्वर धाम पर, उस सरकार पर इतना भरोसा है आपको? जरूर जरूर, क्योंकि हमारा जो धर्म है उसका कोई अंत नहीं है। जब पानी की एक बूंद पैदा हुई थी तब से हिंदू धर्म पैदा हुआ है, अभी लोग कुछ भी कहें। लेकिन आज उसी सनातन धर्म को गाली दी जा रही है, उसी को कोरोना महामारी बताया जा रहा है। ये तो इतिहास है, गाली देने वालों का इतिहास है। अभी महाराज जी ने बताया कि उनके आगे पीछे में हाथी चले बाजार और कुत्ते भोंके हजार। जय श्री राम। सबक सिखाएंगे ऐसे लोगों को? जरूर जरूर सिखा। कुछ कहना चाहेंगे बोलिए। क्या नाम है? बोलिए। चेतन चौरे सर। क्या कहना चाहेंगे आज ये जो जन सैलाब है? हाँ। क्या कहना चाह रहा है? या बागेश्वर बाबा की है, देख लो लाखों जनता यहाँ खड़ी हुई है, एक आदमी के पीछे इतनी जनता पागल है। बहुत बहुत बहुत, मतलब भारत अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत आने वाला है। लगता है कि बाबा ने, गुरुजी ने युवाओं को जगाने का काम किया। बहुत बढ़िया, मतलब है बहुत बहुत युवा शक्ति। हाँ। जिंदाबाद युवा शक्ति, जिंदाबाद। ऐसा है सर? क्या नाम है? भैरव सिंह राजा। क्या कहेंगे आज? देखो सनातन धर्म में तो वो ताकत है कि पानी में पत्थर भी राम के नाम से तीरता है, तो बाकी तो अब ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन जो सनातन के खिलाफ बोल रहा है उसे सबक सिखाएंगे? तो उसको ज्ञात ही नहीं है ना उसके बारे में कि मैं क्या हूँ भाई। वो अपने बारे में जाने लगे तो फिर सब कुछ जान जाएगा वो। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बाबा जी से मिलकर, और बाबा जी के लिए दो शब्द कहूँगा। हम धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कुछ कह सकें? मेरी इतनी हस्ती ही नहीं है। हम क्या कह सकते हैं उनके लिए? वो तो खुद में अपना पार है बाबा जी, बिल्कुल। और क्या, लेकिन इससे पहले कभी हमने युवाओं को सनातनियों, सनातन धर्म के कार्यक्रम में नहीं देखा, कम देखते थे। अब जग चुके हैं हम लोग, अब हम लोग समझ रहे हैं बातों को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले लोग नहीं समझते थे, अब सोशल मीडिया आ चुका है, हम लोग समझते हैं। सोशल मीडिया ने जगाया है, योगी ने जगाया है, मोदी ने जगाया है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जगाया है, और भी बहुत सारे नाम है। राजा आ गया, सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया। पहले लूटपाट होता था, पहले करप्ट था इंडिया, अब करप्शन मिट रहा है, सब कुछ मिट रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, आर्थिक हम लोग सब मजबूत हो रहे हैं, हम लोग को हर चीज में छूट मिल रही है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग सब कुछ। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या किया? धीरेन्द्र शास्त्री ने हमें जगाया, हमें जगाया, हमें जगाया, और हमें हिंदू के प्रति ये करवाया कि हम होगा तभी तो वो धीरेन्द्र शास्त्री है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ तो किया होगा तभी तो वो इतनी पब्लिक आई है। आप क्यों नहीं बन गए धीरेन्द्र शास्त्री, पहले ये बताइए। आप खड़े होकर इंटरव्यू क्यों ले रही है, बताइए बताइए। एमपी के चुनाव के अंदर, हाँ एमपी का चुनाव है जी, आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, ठीक है, अच्छी खुशी की बात है, हैं, मगर एक बात बताइए अभी क्यों आए? अब चुनाव कब बदलने आए? हाँ वो सनातन को जगाने आए हैं, वो पहले भी आते थे। नहीं भैया वो पहले भी आते थे, आपका सोच गलत है। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन, वो उनको पॉलिटिक्स से मत जोड़िएगा, वो हिंदूवादी आदमी है। क्या हिंदू के लिए जो काम करेगा उसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री काम करेंगे? मध्य प्रदेश के हिंदुओं को जगाने आए वो? हाँ राम को लाए हैं हम, उनको लाएंगे, दैट्स इट। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे हिंदुस्तान का बोलो, मध्य प्रदेश का मत बोलिएगा। पूरा विश्व को जगा रहे हैं बाबा, जग रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश भगवा में होने वाला है या नहीं? भगवा में हो चुका है, होगा पूरा भगवा में होगा।
कैसे हो? सब वोट दे रहे हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं ये बताइए। हम आपकी बात बताइए, आप किसको वोट देंगे? बता रही है आप भी बीजेपी को वोट करोगे? पूरी पूरी ऐसी बता रही है, बीजेपी वाले हैं सब, बीजेपी वाले हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए, सब मिले हुए। मिक्सचर मिक्सचर, मैं फूल माली बोल रहा हूँ। सारंग जी मेरे अब साले होगा, पहले छोटे भाई साथ पड़े हुए बिजवा सारंग, अब साले होगा, क्यों तीन बार पक्का हो गया। अरे ठीक, मैं हूँ बेनी पटेल फूल माली, और मेरे गीरे सच्चा तो मैं भतीजा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं मोदी ने, अगर मैं पूछूं मोदी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या नहीं किया ये बताइए। देश आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान से हम लोग पहले कंपेयर करते रहे, आप कोई कर रहा है पाकिस्तान का नाम ले रहा है? पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी है इंडिया, बहुत ऊपर उड़ चुका है ना। दंगे फसाद, मैं यूपी से हूँ, बनारस से यहाँ पे पढ़ता हूँ, ठीक है? आप बनारस में मोदी की तारीफ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप पहले बनारस में आके यहाँ पे खड़ा हुआ कोई भी आदमी कदम रख देना, तुरंत गायब होने का डर रहता रहा, मर्डर तो आम बात थी। अभी वहाँ पे आ जाए कोई, पहले तो इनके नेता परेता जो थे वही गुंडे थे, अब वहाँ पे ऐसा नहीं है। सब वहाँ पे जो भी है, जो काम कर रहा है वो इज्जत से रहता है, मान से रहता है, कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता है, कोई गुंडा वहाँ पे बाजी नहीं होती एकदम। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत काशी का तो पूरा रूप बदला है ना, पूरा बदला है, काशी तो पूरा बदल गया। हम तो बिल्कुल बोलेंगे कि भाजपा ही आएगी और पूरे देश में वही आनी चाहिए, और कोई है नहीं बराबर में। और अगर कोई भी आया, केजरीवाल पहले अपने जिस पद पे हैं उसको क्षमता नहीं है उनकी कि उतना उस पर रह पाए टिक करके, है ना, एक बार छोड़ चुके हैं ना। इंडिया का ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, और लोग अभी कुछ समय पहले तक ये भी बोल रहे थे ना कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे अलाउ किया है कि मोदी जी के ऊपर पिक्चर आ गई थी लास्ट ईयर, अभी इंडिया नाम रखना कैसे अलाउ कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, क्यों? ये भी उठाने लायक सवाल है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाजपा ही आएगी। और योगी जी ने एक बात कही थी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सब फायदे में तो हैं, जो कायदे में है वो फायदे में है, जो उद्दंड है शैतान है उसका तो देख ही रहे हैं। फिर इधर धीरेन्द्र शास्त्री, उधर योगी जी, फिर मोदी जी हैं ही ऊपर लीड। इलाज हो रहा है, बिल्कुल इलाज हो रहा है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए बिल्कुल। किसी कोई धर्म के खिलाफ किसी की भी कोई वो नहीं रहती है, खाली जो बदतमीजी करता है चाहे किसी भी धर्म का हो किसी का भी हो, वो बिल्कुल हाँ, जो भी गलत कर रहा है वो गलत है। यहाँ मामा के लिए क्या कहेंगे? मामा यहाँ पे ये कहेंगे, मामा यहाँ पर भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या योगी की तरह काम कर पा रहे हैं? योगी की तरह कर रहे हैं बिल्कुल। अभी उज्जैन में बुलडोजर चला, आपने देखा होगा, उन लोगों ने थूक दिया था, तो बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं मामा? नहीं, उनकी कॉपी नहीं बन रहा, लेकिन वो भी मध्य प्रदेश सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश का भी कुछ और था, अब आज यहाँ का भी कायाकल्प हो चुका है, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के दिल में क्या है? मध्य प्रदेश के दिल में तो बिल्कुल मामा आएंगे इस बार, कमलनाथ नहीं आएंगे? नहीं, कमलनाथ नहीं आ पाएंगे, कमलनाथ से कमलनाथ तो झूठ बोलते हैं। ऐसे हाँ, पूरे मान के चलो कांग्रेस वाले सब झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, सारा झूठ, झूठ से कोई काम ही नहीं है। मैंने फिर भी सरकार बनी थी ना, कहाँ तो मिट गई, बनाई थी तो क्या होगा बात, खरीद दिया भाजपा वालों ने। अरे खरीद नहीं लिया, आपकी तो बिन के कुछ कुछ नहीं होना आपकी बिन से। लेकिन वो इस बार कह रहे हैं मामा जा रहे हैं। अरे मामा कोई पहुंचा आप बार नहीं है सर, वो तो बिन की आप माँ आएंगे तो चल रहा था, चल रहा हो कह रहा हो, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा तो कौन आएगा फिर? अरे झूठ बोलते हैं, कल मैं 10 दिन हम कर्जा माफ कर दूंगा, हमारे 50,000 ही माफ नहीं भाई, कल 10 दिन हम करूंगा मैं कर्जा माफ। हाँ हकीकत है, किसान वाबान भटा नहीं था हमें, मामा ने कुगा खोद दाओ, अब डीपी धरा देता है, मामा का नहीं दे रहा, नाच दे रहा है, पैसा दे रहा है, 1,000 रुपये महीना, मेरे 5 मोड़ा है, 5,000 का महीना तो आ रहा हो, और 1,000 रुपये महीना मेरे आ रहा हो, तो मामा बहुत दे रहा हो, मामा दे रहे हैं, मामा तो वहाँ के मुँह के दे रहा, ले जा बस, तो आप भी लाएंगे, लेने वाला हो? अरे मामा के पीछे जान लगी है हमने, ऐसा है सीना ठोक के, अरे सीना ठोक के साहब, जय श्री राम, जय श्री राम, मामा कोई नहीं हटा सर, मामा बहुत बहुत धन्यवाद, आइए।